नमस्ते गाइस तो आज फाइनली ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर आ चुका है भाई मैं पिछले चार पांच साल से इस मूवी के बारे में सिर्फ सुन ही रहा हूँ कभी ये मूवी की शूटिंग डिले हो जाती है तो कभी इसके लिए बजट कम पड़ जाता है लेकिन इन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए आज इसके मेकर्स ने इसका ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है और भाई ये मूवी सेट है नौ सितंबर को रिलीज होने के लिए तो आखिरकार ये ट्रेलर के साथ आ, आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे तो मेरा नाम है पांचाल और फालतू की बातें बंद करते हैं और शुरू करते हैं यह वीडियो तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ट्रेलर की कि आखिर इस ट्रेलर से हमें मूवी के बारे में क्या पता चल रहा है इस ट्रेलर से हमें मूवी के बारे में एक बेसिक सी स्टोरी पता चल रही है या फिर शायद इन्होंने पूरी स्टोरी इस ट्रेलर में बता दी तो इस ट्रेलर में बताया है कि हमारी इस दुनिया में तीन प्रकार के अस्त्र है जो कि जल वायु और अग्नि से बने हैं जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली है लेकिन इन अस्त्रों के ऊपर भी एक सबसे बड़ा अस्त्र है जिसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र और जो इस मूवी का मेन हीरो है रणवीर कपूर ए के शिवा उसके पास इन तीन शक्तियों में से एक ही शक्ति है जो की है अग्नि की और इस पावर की वजह से उसे अग्नि नहीं जला सकती और इस पावर की वजह से शायद उसे ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देती है जो कि एक नॉर्मल आदमी को दिखाई नहीं देती और ये छुपानी तो होती है इसके मन में काफी सारे क्वेश्चन आएंगे और इन क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए पहुंच जाएगा अमिताभ बच्चन के पास एक, एक गुरु अरविंद तो ये गुरु अपने शिवा को उसकी शक्तियों के बारे में बताएंगे और उसे इन शक्तियों से लड़ना सिखाएंगे और वो इसलिए क्योंकि उसके पीछे पड़ी है अपने कलर्स की नागिन ओ सॉरी मतलब दमयंती जिसके पास पावर है अंधकार की शायद ये चाहेगी कि इन तीनों अस्त्रों की ताकत को अपने अंदर ग्रहण करके ये ब्रह्मास्त्र को हासिल कर ले लेकिन अपना रणवीर कपूर ये तोड़ना होने देगा आखिर मूवी का हीरो जो है और अब ये कौन कह रहा है कि स्टार किड होते हुए भी इसने अपनी शर्ट नहीं उतारी लेकिन इसी के साथ साथ इस मूवी में एक और सुपर हीरो दिखने वाला है अपने मास ओ सोरी, ओ सॉरी सॉरी मतलब अपने नागार्जुन जो कि रोल प्ले कर रहे हैं अजय लेकिन उनका जो रोल होने वाला है वो इस ट्रेलर में में तो कुछ ढंग से समझ में नहीं आ रहा शायद तक उन्हें मूवी के लिए बचा के रखा हुआ है तो भाई ये थी इस मूवी की स्टोरी जो हमें इस ट्रेलर से पता चल रही है काफी सारे लोगों को तो ये ट्रेलर काफी ज्यादा पसंद आया होगा लेकिन पर्सनली ये ट्रेलर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि इस पूरे ट्रेलर में छोटी मोटी काफी सारी थी। लेकिन एक बड़ी कमी जो मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने पूरी स्टोरी इस ट्रेलर में बता दी या फिर मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ लेकिन अगर इन्होंने पूरी स्टोरी इस ट्रेलर में बता दी होगी मेरा मूवी को देखने का पूरा इंटरेस्ट खराब हो जाएगा जिसका मैं ज्यादा बड़ा फैन नहीं हूँ और मैं हमेशा ट्रेलर में ये चाहता हूँ कि आप सिर्फ थोड़े से मूवी को लेकर थोड़ी हाई पूरी स्टोरी मुझे ट्रेलर में नहीं देखनी लेकिन इसी के साथ साथ कई सारे लोग इस रहे हैं कि इसका जो वी है वो काफी ज़्यादा खराब है लेकिन इस पर मैं पर्सनली कहना चाहूँगा कि भाई ये एक बॉलीवुड मूवी है और बॉलीवुड के बजट के हिसाब से इसमें जो वी यूज हुआ है वो काफी ज्यादा काबिल तारीफ है क्योंकि भाई लोग इस मूवी को डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं मार्वल की मूवी से और मार्वल की मूवीज का बजट काफी ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू बॉलीवुड की मूवीज से और कम बजट में ये काफी ज्यादा अच्छा है तो मुझे इससे तो कोई शिकायत नहीं है लेकिन काश इसकी स्टोरी अच्छी हो लेकिन ओवरऑल ट्रेलर में सबकी एक्टिंग तो काफी ज्यादा अच्छी है कभी कभी मुझे थोड़ी इनके वॉइस से दिक्कत हो रही थी ऐसा लग रहा था इनकी डबिंग अभी पूरी तरीके से नहीं की गई है तो भाई यह था ब्रह्मास्त्र का मेरी तरफ से एक रिव्यू और थोड़ा बहुत मैंने ब्रेक डाउन भी कर दिया और मैं पर्सनली इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ लेकिन आपको यह वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आप मैं और हम सभी सुपर हीरो फैन हैं मार्वल मैन